इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अब समय है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से मिशन सूर्य के लिए आदित्य L1 किया लॉन्च। पूरे देश की प्रार्थनाएं हुई कबूल, इसरो का सूर्य मिशन रचेगा इतिहास, सूरज से जुड़ा अहम डेटा जुटाएगा। लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो चीफ एस सोमनाथ तो और वैज्ञानिकों की लॉन्चिंग पर रही नजर। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग से देश भर में उत्साह, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में इकट्ठा लोगों ने तालियां बजाकर मिशन सूर्य का किया स्वागत। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग सफल, इसरो चीफ एस सोमनाथ की पुष्टि। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश को दी बधाई, पीएम मोदी का दिया धन्यवाद, कहा उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। आदित्य L1 की लॉन्चिंग देखने भारी संख्या में जुटे लोग, इसरो के वैज्ञानिकों को बढ़ाया हौसला। आदित्य L1 मिशन के लॉन्चिंग को लेकर बच्चों में दिखा जोश, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दिखी लॉन्चिंग। आदित्य L1 मिशन की सफलता के लिए की गई कामना, वाराणसी में किया गया हवन। आदित्य L1 की लॉन्चिंग को खगोल शास्त्री प्रोफेसर RC कपूर ने बताया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, सूर्य के कोरोना का भी करेगा अध्ययन। आदित्य L1 मिशन को इसरो के पूर्व वैज्ञानिक अनादुराई ने बताया काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण, कहा मिशन वैज्ञानिक रूप से काफी फायदेमंद रहेगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा का बयान, अंतरिक्ष के मौसम और आगामी अभियानों को समझने में मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 मिशन के शुभारंभ की दी बधाई, वैज्ञानिकों के काम की सराहना की। सूरज पर जाने वाला भारत का पहला सन मिशन है आदित्य L1, इसरो का ये मिशन पूरी तरीके से स्वदेशी। आदित्य L1 को PSLV C-57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा, धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होगा। आदित्य L1 128 दिन का सफर तय करके लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य में सूरज के अध्ययन के लिए लगे हैं 7 पेलोड्स। आदित्य L1 में सबसे अहम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ नाम का पेलोड, सूरज के अंदर उठने वाले 16 तूफानों की करेगा स्टडी। सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफान की गति की स्टडी करेगा आदित्य L1, किनारों पर होने वाली हीटिंग को भी जानकारी देगा। सूरज के किनारों के तापमान के पैटर्न का भी पता लगाएगा, वायुमंडल की जानकारी का पता लगाएगा आदित्य L1। पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों की स्टडी करेगा आदित्य L1, किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर की भी स्टडी होगी।